अरे भाई मेरे पे नहीं होगा। अरे भाई रुक जा यार, क्या होगा, किधर जा रहा है? आगे चलो ना, आगे चलो। अबे कुंवर के पास है तो क्या है? इसका क्या हो गया? अरे अरे भाई क्या हो गया? अरे पागल हो गए भाई, खड़ा हो जाना भाई। भाई चल ले, चल ले यार। है क्या आयो? सो हे गाइस, कैसे हो सारे? वेलकम टू द चैनल, स्वागत है आपका द रियल एक्सप्लोर चैनल में। मैं, मेरा नाम हिमांशु और मेरे साथ है सचिन भैया। और आज हम आए हैं एक ऐसी हॉन्टेड प्लेस पे जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूपी का मोस्ट हॉन्टेड मान लो इसको। जब हम यहाँ आए तो हमने जो गांव वाले लड़कों के व्यूज लिए ना, तो वो इतने डेंजर लगे मेरे को, वो इतने मतलब डरावने लगे। उन्होंने कहा कि भाई उस रोड पे मत जाना, वहाँ मत जाना, वहाँ हमने ये देखा है, वो देखा है। और वहाँ पे हमने सोचा यार हम जाएंगे, और वहाँ से हम दो बच्चे साथ लेके आए, मतलब वो भी चोरी छुपे आए घर से बच्चों, मतलब कुल मिला के ये था कि माँ उनको आने ही नहीं दे रही थी, जैसे तैसे लेके आए। और भाई आपसे मिलवाते हैं उनको, और उसके बाद चलेंगे उस कब्रिस्तान में जो इतना हॉन्टेड है कि जिसके लिए पूरे इलाके में ना यहाँ पे पूरा भय है। तो भाई, और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमारे को यहाँ पे दो बंदे ऐसे मिले हैं जो यहाँ पे आने के लिए तैयार हुए हैं। काफ़ी मेहनत के बाद हमने इनको रेडी किया यहाँ पे आने के लिए। तो भैया ये रोहित है, ये बताएंगे आपको यहाँ पे क्या क्या हुआ इनके साथ और क्या क्या दुर्घटना यहाँ पे घटती है। तो और बताओ कुछ। ये भाई निखिल है भाई, ठीक है, ये भाई भी बताओगा कि इसके साथ क्या हुआ था। पहले भाई आप ही बता देना भाई, आप ही बताओ। भैया मैं खेत में से आ रहा था तो शाम के टाइम, तो यहाँ पे एक भूत दिखाई, कैमरे में बता भाई देख के, भूत दिखाई दिया था मेरे को, तो मैं इनसे भाग लिया था। ठीक है भैया, कैसे आ रहा था? साइकिल पर आ रहा था? कैसे आ रहा था? मैं पैदल आ रहा था। कहाँ मिला भाई? यहाँ पे मिला था जी मेरे को। भागने बस? हाँ जी। उतने पीछे नहीं भागा हो? भागा था जी, मैं तो उस दिन से बात में आया नहीं। अच्छा रे। हाँ जी। और भाई तुझे कब मिला? मुझे भी शाम के टाइम मिला था। और तुम कहाँ जा रहे थे भाई? मैं खेत में जान लग रहा था, तो वो इधर से आया और मैं साइकिल छोड़ के भाग लिया यानी कि वो ब्लैक्स हो गया। अच्छा जी। जी हाँ, फिर मैं तो आया ही नहीं उधर। तो भाई आपने इसकी सुनी कि इनके पीछे कैसे हादसे हुआ, ये इनके पीछे भागा जो भी यहाँ भी रहता है जो भी था, और मैं तो इन बातों को मानता नहीं हूँ, लेकिन इस मेरी जो आने की वजह है यही है कि इन्हें लेके आया मैं, और कब्रिस्तान के अंदर जाके देखेंगे इनके साथ। इनको मैंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं होता, साथ चलो तुम मेरे और मैं तुम्हें वहाँ पे घूम के दिखाऊंगा। ये बोले नहीं भैया हमें डर लग रहा है, फिर भी जैसे तैसे मना के ले ही आए, और अब ये हमारे साथ कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे और वहाँ हम देखेंगे सब मिल के कि वहाँ कुछ ऐसा है भी या नहीं है। और इनका अगर नहीं हुआ तो इनका बैम भी निकल जाएगा, और हुआ तो भाई हम भी देख लेंगे पहली बार। अब चल रहे भैया आगे, इनको दिखा रहे, आ जाओ। आगे हमारी कब्रिस्तान में आप देख सकते हो कब्र है, और इधर भी नहीं, और बहुत सारी हैं गिनती की, 200 400 500 जितनी भी होती हैं कब्रिस्तान में। दिखाओ भाई कहाँ किधर थे क्या आप? मैंने इधर भी देखा था और इधर भी, इधर बैठे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर तो दूसरी फिल्म का सीन है। इधर रहते हैं, कभी रास्ते में बैठ जाते हैं। देखो भाई इतनी सारी कब्रें हैं, इधर इधर दिखाना भाई कैमरामैन भाई मारे, ये देखो ये इतनी सारी यहाँ पे कब्रें हैं, ये और कब्रिस्तान है, और इन भाइयों ने यहीं पे कहीं देखे थे कि भाई हमारे पीछे भाग लिया था, तो अभी इन्हीं के साथ आए हम, यही लेके आए अंदर, और हमें तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है भाई। 10 मिनट हो चुके हैं और घूम रहे कब्रिस्तान में, ये देखो ये कब्रें ही कब्रें हैं बहुत सारी। और भाई अब बता भाई किधर को चलें, किधर को नहीं, बड़ी कब्र है उधर, उधर देखो, और अभी तो कुछ ऐसा लगा नहीं हमें, ठीक है भाई। रात के 12:30 के करीब का टाइम हो गया है, ये देखो, और हम घूम रहे हैं कब्रिस्तान में ही, और हमें तो कुछ अभी ऐसा लगा नहीं।
भैया बहुत टेम हो गया, मेरे को बहुत डर लग रहा है ना। क्या हो गया भाई? हमें डर लग रहा है, हम घर जा रहे हैं। अरे कहीं का डर लग रहा है यार, यहाँ क्या है भी कुछ? यहाँ पे हम भी तो घूम रहे हैं। अरे भाई टाइम हो गया, तेरा तो ये गांव है, मेरा मारा तो कुछ भी ना यार। यहाँ पे ऐसे हम देख ले, हम तो यार, अरे हम तो यही घूम रहे हैं कब से, काफी घूम रहे भाई तेरे साथ। डरा मत, मम्मी पापा भी। अरे चलो यार, कुछ नहीं होता, बात नहीं होगा। डरा मत, कैमरा मैन भी तो है तुम्हारे साथ, चलो। अरे भाई रुक जा यार, क्या हो गया, किधर जा रहा है? इसका क्या हो गया? अरे अरे भाई क्या हो गया? अरे पागल हो गया भाई, खड़ा हो जा। अरे क्या हो गया? अरे 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 क्या हो गया? अरे भाई पागल हो गया क्या? अरे इसको क्या हो गया? पढ़ लेगी आगे, पढ़ लेगी आगे, पढ़ लेगी भाई आगे, छोड़ गया पानी। अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अरे क्या हो गया? कौन है? कौन है तू? अरे क्या हो गया भाई? कौन है तू? कौन है भाई? पढ़ ले जाके, हो गया इसको। चल भाई तो भाई अब जैसे कि देख लो भाई, अभी थोड़ा रिलैक्स हो गया, आधा घंटा हो गया इनको यहाँ पे बैठे हुए। पानी वानी पिलाया इनको लाके, हमारे पास था नहीं पानी, लेकिन हम बाहर से लेके आए इनको पानी और इनको पिलाया। फिर अभी थोड़ा रिलैक्स हुए हैं, अभी बताएंगे इन्होंने मतलब क्या देखा वहाँ पे और इनको कैसी फीलिंग आई। तो भैया क्या फीलिंग हुई वहाँ पे? भैया मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरे को एक बाबा दिखाई दिए, लंबी लंबी दाढ़ी वाले थे और काले बाल थे, और वहीं पे जाम खड़े थे, मेरे को बुला रहे हैं। तो यार वहाँ तो हम भी थे भाई। नहीं भैया मेरे को घबराहट हुई, तो मैं इसीलिए, हमें तो ना कुछ दिखा, ओप्लेक्स होके मैं गिर पड़ा, बेहोश हो गया, फिर मेरे को पता नहीं चला क्या हुआ मेरे साथ। यार हमें तो वहाँ कुछ नहीं दिखा भाई, हम भी तो तेरे साथ ही थे। मेरे को ये भी नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। चलो भाई फिर घर छोड़ दे इसको, उसको घर छोड़ देते हैं फिर। तो गाँव जाएंगे दोबारा वापस छोड़ने? ना मैं यार जाऊंगा भाई, हम तो छोड़ के दोबारा आएंगे और इस बाबा को तो जरूर देखेंगे, बाबा है कहाँ है, बाबा कौन है। आप देखो, मेरे को घर छोड़ दो।